काफी सारी हॉरर मूवीज में आप लोग ने कब्र में से ऐसा हाथ निकलने वाला सीन तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आप लोग ने सोचा है कि ये सारे शॉट को लिया कैसे जाता है? नहीं तो हे गाइस, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं योर स्मार्ट मेकर। एंड आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ये हॉरर वीडियो ही नहीं बल्कि ऐसे और भी बहुत सारे सुपर क्रिएटिव शॉट लेने वाला हूँ विद अ ब्रांड न्यू ओप्पो फाइंड एंड 3 फ्लिप फोन के साथ में, जो कि इंडिया का पहला फ्लिप स्मार्टफोन बन जाता है जिसमें आप लोग को ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी फ्लिप फोन का फायदा उठाते हुए कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट शूट किया जाए। तो यार फटाफट से जाकर के आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो नीचे जाकर के सब्सक्राइब कर दो। आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग एक हॉरर वीडियोग्राफी से। अब बहुत सारे हॉरर मूवीज में आप लोगों ने कब्र में से ऐसा हाथ निकलने वाला सीन तो देखा ही होगा, लेकिन ये बात सच है कि इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे तामझाम करने पड़ते हैं, स्पेशली जब बात फोन से शूट करने की होती है। बट थैंक्स टू ओप्पो फाइंड एंड 3 का ये फ्लिप एंड डुअल स्क्रीन फीचर, जिससे वीडियो बनाने में मुझे बहुत हेल्प मिली एंड सारी चीजों को मैं खुद भी मॉनिटर करके प्रॉपर तरीके से शूट कर पाया। बट कैसे, चलो शुरू से देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे कब्र जैसा स्ट्रक्चर रेडी करना था, राइट? तो पहली चीज यहाँ पर लगने वाली थी एक मिट्टी जो उस जैसी दिखती हो। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग अलग अलग जगह ढूंढने निकल जाते हैं, काफी सारे नर्सरी में भी ढूंढते हैं, बट कहीं पर भी उस तरीके की मिट्टी नहीं मिल पाती। फिर हमने प्लान किया अलग अलग जगह की मिट्टी लेकर के एक में ही मिक्स करके यहाँ पर उस तरीके का स्ट्रक्चर रेडी कर लेंगे। सेकंड थिंग, मुझे यहाँ पर चाहिए रहती एक बड़ी सी लकड़ी, जिसके लिए मैं पहुंचता हूँ फर्नीचर की शॉप पर, वहां से वो लकड़ी को ले लेता हूँ एंड बीच में एक स्क्वायर सा छेद करा लेता हूँ एंड उसको सपोर्ट करने के लिए चार अलग अलग टूल भी ले लेता हूँ। अब ये सारी बड़ी बड़ी चीजें और थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स लेकर के मैं सीधा पहुंचता हूँ स्पॉट पर। एंड यस, लोकेशन हमने पहले से हॉरर टाइप डिसाइड किया हुआ था, जिसके बैकग्राउंड में एक सिंगल सा पेड़ होगा और उसके ठीक पीछे सनसेट हो रहा होगा, तभी हमें एक प्रॉपर हॉरर टाइप की वाइब यहाँ पर मिल पाएगी। अब शुरुआत में सबसे पहले वो लकड़ी को उस चारों टूल के ऊपर प्रॉपर तरीके से अलाइन कर देता हूँ, बैकग्राउंड में उसी पेड़ एंड सनसेट को कवर करते हुए। उसके बाद उसी लकड़ी के ऊपर जो मिट्टी हम लोग ने इकट्ठा कर रखी थी, उन्हीं सारी मिट्टियों को उसके ऊपर राउंड करते हुए कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ एंड जो थोड़े बड़े बड़े पत्थर टाइप के थे उनको तोड़ तोड़ के आगे पीछे लगा देता हूँ। अब इसी मिट्टी को थोड़ा डार्क ब्लैक टाइप का बनाने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ एंड यस, यहाँ पर हमारा एक प्रॉपर कब्र टाइप का स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। नाउ कम टू द हॉरर पार्ट। अब जो हाथ उस कब्र में से बाहर निकलेगा वो हमें थोड़ा ज्यादा डरावना किस्म का दिखना चाहिए, राइट? तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक नेल एक्सटेंशन ले लेता हूँ, उसको पूरा हाथ के नाखून पर कुछ इस तरीके से चिपका देता हूँ। अब हाथ का जो और भी पार्ट है वो भी थोड़ा हॉरर लगने के लिए मैं यहाँ पर लाल और ब्लैक कलर मिक्स करके उसके ऊपर पेंट कर देता हूँ। अब सारा कुछ यहाँ पर रेडी हो जाता है, मैं अपने ओप्पो फाइंड एंड 3 को निकालता हूँ। अब क्योंकि ये एक फ्लिप स्मार्टफोन है तो भाई मुझे यहाँ पर स्टेबल शॉट लेने के लिए कोई भी ट्राइपॉड एंड अदर गैजेट की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली उसको आधा फोल्ड करता हूँ एंड शुरुआत में ले जा करके रख देता हूँ। उसके बाद इसको हम लोग शूट करने वाले हैं 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरे से, जो कि सोनी IMX581 अपर्चर 2.2 के साथ आता है। तो भाई सारा को सेट करने के बाद एक प्रॉपर लो एंगल एंड स्टेबल दोनों शॉट मिल जाता है एंड यहाँ से डुअल स्क्रीन को ऑन कर लेता हूँ, जिससे शूट करते टाइम मैं रियर स्क्रीन से खुद को मॉनिटर भी कर पाऊँ। तो फिर क्या था, उस टेबल के नीचे वो बंदा चला जाता है, उसके ऊपर थोड़े बहुत कपूर रख करके आग चला देता हूँ एंड यस काफी सारे शॉट देने पड़ते हैं जिससे हमारी जीन्स के भी यहाँ पर बैंड बच जाती है। खैर वो अलग कहानी है जिसको मैंने वाइटी शॉर्ट्स पर बताया, देखना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के देख सकते हो। वेल फाइनली इतनी सारी मेहनत करने के बाद एक परफेक्ट शॉट हमें यहाँ पर मिल जाता है, जिसका रिजल्ट ये रहा आपके सामने। अच्छा, फ्लिप फोन की बात किया जाए तो लोगों के दिमाग में आता है यार बीच में ना लाइन बहुत ज्यादा विजिबल दिखती है, लेकिन ये फोन में वो चीज काफी हद तक विजिबल नहीं होती, इवन तो अगर आप लोग आउटडोर में हो तो भी। और फोल्डिंग की बात किया जाए तो कंपनी क्लेम करती है 6 लाख टाइम आप इसको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। वेल बढ़ते हम लोग अपने अगले वीडियोग्राफी में, जिसमें मैंने सैड वीडियो के साथ साथ अपने कुछ क्रिएटिव थॉट्स डाल करके उसको बनाया हुआ है। अब इस तरीके की वीडियो देखने में तभी फील आता है जब आप लोग इसको जूम लेंस पर शूट करो, तभी पीछे का डेप्थ एंड सामने का सब्जेक्ट दोनों अच्छे तरीके से कैप्चर हो पाता है। एंड यस, ये शॉट को लेने वाला हूँ इसी फोन के टेलीफोटो लेंस से, जो कि 32 मेगापिक्सल सोनी IMX709 अपर्चर 2 के साथ आता है, जिससे आप लोग वीडियो के साथ साथ पोर्ट्रेट फोटोज भी कैप्चर कर सकते हो। ये रहे कुछ सैंपल शॉट जो कि मैंने इसी पोर्ट्रेट लेंस से कैप्चर किए हुए हैं। वेल बात कर लेते हैं इस वीडियो को हम लोग ने किस तरीके से शूट किया। तो इसके लिए यहाँ पर एक चेयर और थोड़ी बहुत अलग अलग चीजें लेकर के मैं पहुंचता हूँ समंदर किनारे बीच पर। सबसे पहले तो मैं उस चेयर को समंदर में ले जाकर के रख देता हूँ एंड पहले तो हम लोग ट्रायल करते हैं कि उसमें आग किस तरीके से लगेगी। तो पहले तो उसके ऊपर डाल करके आग लगाने की कोशिश करता हूँ
हूँ, बट यहाँ पर किसी भी हाल में आग नहीं लग रही थी क्योंकि समंदर किनारे हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी और मेटल पर आग लगाना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा होता है। बट यस, मैंने प्लान भी रेडी कर रखा था, काफी सारे टॉयलेट पेपर भी ले आता हूँ एंड उस चेयर को हम लोग यहाँ पर जवान का शाहरुख खान बना देते हैं। देन जब उसके ऊपर आग लगाते हैं तो यस, प्लान भी हमारा सक्सेसफुल रहता है। फिर क्या, मैं अपने फोन को ट्राइपॉड पर सेट करने बैठ जाता हूँ एकदम लो एंगल पर। सारा कुछ सेट करने के बाद यहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। पहले तो मैं उस चेयर पर बैठ करके अपना एक अलग से शॉट रिकॉर्ड कर लेता हूँ एंड दूसरा शॉट चेयर में आग लगाने के बाद सामने खड़े रहते हुए रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वेल, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, आप लोग ये सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ये आप लोग के लिए रिस्की हो सकता है। बाय द वे, वीडियो का रिजल्ट किस तरीके से बनता है चलो वो देख लेते हैं। रियर स्क्रीन की बात किया जाए तो छोटी छोटी चीजों के लिए भी ये काफी यूजफुल होता है। लाइक अगर आप लोग को वीडियो कॉल करनी हो तो फोन को कहीं पर भी रख करके कर सकते हो एंड ऐसे काफी सारे बड़े बड़े ऐप सपोर्ट करते हैं लाइक व्हाट्सअप, जीमेल, गूगल मैप, यूट्यूब एंड आगे भी ऐसे नए नए ऐप के अपडेट आते रहेंगे। एंड सबसे बढ़िया चीज, यहाँ पर आप लोग अपने कस्टम पेट्स भी सेट कर सकते हो एज एन वॉलपेपर जो कि 3D होता है, मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें काम करते हैं जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। डिस्प्ले देखा जाए तो 6.8 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिलता है HDR10+ सपोर्ट के साथ में। परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 9200 चिप के साथ में आता है। बैटरी आप लोगों को 4300 mAh की मिल जाती है विद 44 वॉट सुपरबुक चार्जिंग के साथ में। सेल्फी कैमरे की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सोनी IMX709 के साथ में आता है। ये कुछ फोटोज के एग्जांपल आप लोगों के सामने। वेल, बढ़ते अब हम लोग अपने नेक्स्ट शॉट की तरफ जिसमें मैंने काइंड ऑफ एक VFX शॉट लिया है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी कैमरा जिसमें आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX890 अपर्चर 1.8 के साथ आता है। यहाँ पर आप लोग ने बॉम्ब एक्सप्लोड होने वाला सीन बहुत सारे मूवीज में तो देखा ही होगा। तो देखो, बॉम्ब एक्सप्लोड होने के बाद जिस तरीके का सीन दिखता है वीडियो में उसी तरीके का यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर रेडी करने बैठ जाते हैं एंड भाई लिटरली इसको बनाने में हमें बहुत ज्यादा दिन लगे। काफी सारे फेलियर्स के बाद जाकर के हम लोग ने इसको प्रॉपर तरीके से बना पाया। इसके पीछे भी अपने आप में एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है जिसको मैंने अपने शॉर्ट्स व्लॉग में कवर कर रखा है। देखना हो तो योर स्मार्ट मेकर शॉर्ट्स पर जाकर के चेक कर सकते हो। ओके, तो पॉइंट पर आते हैं कि इसको हम लोग ने किस तरीके से बनाया। तो देखो, शुरुआत में यहाँ पर काफी सारे अलग अलग तरीके के सामान ला करके यहाँ पर मैं पहले से ही रख देता हूँ। तो पहले शुरुआत होती है यहाँ पर जिम के डंबल से, उसको हम लोग कांच के ऊपर खड़ा करते हुए कुछ इस तरीके से रख देते हैं। दूसरी चीज, मेटल की मैं यहाँ पर एक जाली लाया रहता हूँ जिसको राउंड शेप में यहाँ पर हम लोग कट कर देते हैं ताकि अंदर का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन पाए। अब वही जाली को ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। देन सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं कॉटन। मैं ढेर सारे यहाँ पर कॉटन लाया रहता हूँ जिसको उसी डंबल एंड मेटल की जाली पर चिपकाते हुए उसी तरीके का शेप रेडी करते हैं जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड होने के बाद दिखता है। एंड फाइनली पूरा 2 दिन की मेहनत के बाद यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। देन यहाँ पर हम लोग दो अलग अलग स्ट्रिप लाइट भी लाए रहते हैं जिसको राउंड राउंड करते हुए एक लाइट ऊपर लगाते हैं एंड सेम वैसी राउंड राउंड करते हुए नीचे एक अलग लाइट लगा देते हैं। अब उसी लाइट के ऊपर वापस से कॉटन का थोड़ा थोड़ा पैच लगा करके लाइट को कवर कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं एक स्प्रे पेंट भी लाया रहता हूँ जिसको ऊपर का जो हिस्सा निकला हुआ रहता है उस पर स्प्रे करता हूँ एंड जो हिस्सा नीचे का निकला हुआ रहता है उस पे भी स्प्रे करता हूँ जिससे बस उतना ही पार्ट ऐसा काला धुआं टाइप का दिखे वीडियो में। तो भाई फाइनली यहाँ पर हमारा बॉम्ब एक्सप्लोड वाला स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। यहाँ से मैं अपने फोन को निकालता हूँ, ट्राइपॉड पर एक फिक्स एंगल पर सेट कर लेता हूँ एंड यस, वीडियो को हम लोग यहाँ से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ये मिनिएचर वाला पार्ट तो रिकॉर्ड हो गया लेकिन उसके अंदर मुझे अपने आप को ऐड करना बाकी था, तो इसके लिए टेरिस पर यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन लगा देते हैं एंड सारी वार्म लाइटिंग को अपने फ्रंट पर सेट कर लेता हूँ। देन नॉर्मली ऐड करते हुए ये वीडियो को भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब ये दोनों वीडियो को मर्ज करने के बाद रिजल्ट किस तरीके से आता है वो देख लेते हैं।